नाज़रीन हज़रात, मैं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं JKB न्यूज़। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ सेक्टर 3 में, सॉल्ट लेक में। आप देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद है और मस्जिद के आसपास जो है छोटे छोटे घर हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी लोग गुजारते हैं, जैसे कि रिक्शा वगैरह चला करके। ठीक है, आइए, यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद है। इमाम साहब से भी हम बात करने की अभी कोशिश करते हैं। इमाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है JKB न्यूज़ में। आप बताइए, यहाँ पे जो ये मस्जिद कब से है? ये मस्जिद 35-40 साल से है। जी, पहले छोटा सा मस्जिद था, अब वो तिरपाल वगैरह से घिरा हुआ था। आस्ते आस्ते नमाज जैसे बड़ा, उस तरीके में इसको तामीन होते रहा, बस अभी इस तरीके चल रहा है अभी। अच्छा, यहाँ पे आसपास में कितने घर हैं? ये आसपास में हिंदू और मुसलमान मिला के कम से कम 50 घर हैं। 50 घर हैं? जी, मिला कर। जी, तो ये घर जो है क्या करते हैं यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं? एक मजदूर, ये सॉल्ट लेक जो एरिया है बहुत पॉश एरिया है। जी, और उसके बीच में इस तरह का जो घर है, जी, तो क्या करते हैं लोग यहाँ पे, जिंदगी कैसे गुजरते हैं और रोजमर्रा का क्या काम करते हैं? इन लोग रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी काम करते हैं, और उन लोग लेडीज लोग बड़ा बड़ा बाड़ी में काम भी करते रहते हैं। अच्छा, इसी तरह लोग जिंदगी गुजारा हो जाता है। जी, अच्छा, रिक्शा वगैरह चलाते जी, जी, जी। और घर वगैरह में जो यहाँ पे, हाँ, जो घर है उन लोग घर में जाकर काम वाम करते हैं, जाकर के काम करते हैं, ऐसे गुजारा होता है। जी, जी, जी। तो ये लोग कहाँ से हैं, मतलब ये लोग? ये लोग बहुत गाँव का है, सुंदरबन का किस्म का है, भूसीहाट का गाँव का आदमी है लोग सब। अच्छा, जी। लेकिन काफी अरसे से, कितने साल से रहते हैं लोग ये लोग? अभी जो है इन लोग को बाप दादा लोग रहते थे पहले। अच्छा, वो लोग चले गया, ये लोग रहते हैं अभी बहुत दिन से लोग, काफ़ी अरसे से। जी, जी, जी। तो यहाँ गवर्नमेंट आती है आपको, मतलब राशन वगैरह के लिए? नहीं, भी जो आपको जो है लॉकडाउन लगने के बाद जो है एक दो मरत आया था चावल देने के लिए, राशन देने के लिए। जी, और बहुत वो बहुत कम दिया है, बहुत कम। हाँ हाँ, 2 किलो चावल हिसाब से देना चाहिए। नहीं, वो नहीं मिला, हिसाब से नहीं दिया। नहीं, नहीं मिला। तो लोग NGO जो है, जी, ये NGO जो है, और NGO आते हैं या कभी NGO आया है? NGO तो नहीं आया, पहली बार आया आप लोग देखें। अच्छा, इससे पहले लोकल से जो है आपको राजाबार वगैरह सेवा पक्षर का अपना साथी लोग लोग भी चावल वगैरह कुछ देखेंगे, वो लोग भी चावल वगैरह देते हैं। देते हैं। रेडी फूड भी आती है यहाँ पे? रेडी फूड मतलब पकाया हुआ? पकाया हुआ एक दो मरत आया, खिचड़ी वगैरह आया एक दो मरत। यहाँ के आस पास के जो पुलिस है, जी, पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ से लोग आते हैं क्या? एक मतलब पुलिस लोग भी चावल दे गए थे। अच्छा, जी, वो लोग दे, हाँ, 1.5 किलो चावल देखा बाहर में, देखा कि विधाननगर क्राइम, साइबर क्राइम के जो लोग थे, जी, वो बच्चों को तकसीम कर रहे थे, मतलब रेडी फूड तकसीम कर रहे थे। जी, हाँ, मैंने देखा। तो ये क्या हर दिन आते हैं या 2-4 दिनों के बाद बाद आते? वो आता है, 1-2 दिन बाद बाद आते रहते हैं लोग। अच्छा, रेडी फूड देते हैं, केक दे जाते हैं या बिस्कुट दे, सब दे जाते हैं बच्चा लोग, बच्चा लोग। मस्जिद है अभी तो ना, अभी तो बंद है पूरी तरह से, लॉकडाउन है, तो अभी तो मस्जिद में नमाज नहीं होती है? नहीं होता है। तो अभी जो है जुमा का नमाज, ऐसे ऐसे आम दिनों में जुमा की नमाज में कितने लोग आते हैं? आम दिनों में 1,500-2,000 आदमी नमाज पढ़ते रहते हैं। 1,500-2,000 पढ़ते? जी, जुमा में है। अच्छा, अच्छा, जी। और ऐसे ऐसे भी 5 वक्त का नमाज? 5 वक्त 20-25 आदमी, 20-25, हाँ, कभी 40 आदमी हो गया। ये 1,500-2,000 जो आते हैं, तो कहाँ से, कहाँ? बस ये ऑफिस के किस्म का, ऑफिस ड्यूटी का, ऑन ड्यूटी वाले आदमी आते हैं लोग। अच्छा, जी। अच्छा, इस मस्जिद का नाम क्या है? सॉल्ट लेक जामा मस्जिद देगी इसका नाम। अच्छा, देखिए, ये सॉल्ट लेक जामा मस्जिद जो है, यहाँ पे इमाम साहब से अभी बात कर रहे थे। इसमें कम से कम तकरीबन जो जुमे की नमाज होती है, कम से कम 1,500-2,000 लोग आते हैं, और ऐसे पंचगाना जो नमाज होती है उसमें भी तकरीबन लोग अच्छे खासे, मतलब कम से कम 20-25-30 आदमी आते हैं, उन्होंने कहा। ये आइए, मैं यहाँ पे जो अभी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फूड, जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हैं, आइए हज़रत, आइए आप जी। आप बताइए, यहाँ पे ये तो तालीम तामीर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? राशन का कुछ सामान है हम लोग लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इमाम साहब की तरफ से रिक्वायरमेंट आया था। एक हम ग्रुप है, नौजवानों की टीम है तोपसिया की, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, किलजला पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स के साथ मिलकर वो लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ भी कुक फूड वगैरह भी तकसीम किया उन लोगों ने, तो उन लोगों ने हमारे सामने एक फहरिस्त रखी जो इमाम साहब के साथ के तरफ से एक लेटर हेड में जो है वो हजरत के नंबर के साथ आया था, तो हम लोगों ने उसकी तैयारी की। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बताया था कि 51 घर तकरीबन है यहाँ पे, नॉन मुस्लिम मुसलमान दोनों मिलाकर है माशाल्लाह।
तो बहुत ज़रूरत महसूस हुई मुझे तो यहाँ का, जब यहाँ की जब तस्वीर आई तो बिल्कुल दिल दहल गया कि इतनी बड़ी आबादी और यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे ऐसे बंगलोज हैं यहाँ पे, और बगल में यूको बैंक है और इतना पॉश इलाका है, उसके बावजूद हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हालत में अगर वक्त गुजार रहे हों कि ऐसे इतने करीब में और बीच शहर में और ऐसे जगह पर अगर वो भुखमरी का शिकार हो या फिर उनके घर इस तरह के हों, आप देख सकते हैं झोपड़ियाँ हों, मुझे लगता है कि हमारी जो हुकूमत है उनको ज़िम्मेदारी के साथ सोचना चाहिए इसके बारे में। तो हम लोगों को ये चीज़ महसूस हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे जो हम की जो टीम है वो राशन कल लेकर चली गई है, उसमें कुछ उन्होंने भी इजाफा किया है, तो दोनों मिलकर जॉइंटली कोलैबोरेशन के साथ और कलकत्ता क्रिकेट कार्निवल CCC जो है उसके ज़िम्मेदार भी हम लोगों के साथ आए हुए हैं, तो हम लोग तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो भी तौफीक दे रहा है हम लोग। ये मैं देख रहा हूँ कि तामीर एजुकेशनल ट्रस्ट जो है ये हमेशा अभी जो है हर जगह गांव-गांव पे जा रही है, और ये तो शहर है यहाँ पे इस तरह का लगा, तो अभी तो 17 तारीख तक जो है लॉकडाउन जो है 17 तारीख तक रहेगी, तो इसके लिए क्या और आगे भी आप लोग ऐसा काम करेंगे? देखिए एक्चुअली हम लोगों ने कलकत्ता के अंदर यानी सिटी के अंदर ही तकरीबन 550 घरानों को हम लोगों ने एक महीने का राशन तकरीबन तकसीम किया, वो हमारा टारगेट था एक जो दो फेसेस में हम लोगों ने मुकम्मल किया। अब मामला ये है कि उसके बाद हम लोगों ने, चूँकि हमारे पास बंगाल से मेरा ताल्लुक ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड के इस्लाह मुआशरा कमेटी से भी है, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ उसमें और इमाम भी हूँ एक मस्जिद का, तो इस दबार से बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात है, तो उन लोगों ने मेरे सामने रिक्वायरमेंट्स भेजे, जॉयनगर से भी है, डायमंड हार्बर से भी है, बशीरहाट से अभी हम लोग होकर आए हैं, वहाँ से भी था, और 2-3 दिन पहले हम लोग सुंदरबन के इलाके में भी गए मालंचा वगैरह में, तो वहाँ से भी ऐसे ही रिक्वायरमेंट्स आए हमारे पास। इसी तरीके से आराम बाग से है, टीटागढ़ से है और बरईपुर से है और गुठियारी वगैरह के इलाके में बहुत ही हालत ख़राब है, तो इन जगहों से है। तो हम लोगों ने फेस वाइज हर एक लोकेशन को टारगेट किया है, और जो हमारी कोशिश है, क्योंकि हम तो ना हुकूमत है और ना हम लोग कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके पास गवर्नमेंट की फंडिंग है, हमारे जो बहुत ही मुखलिस और अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, बहुत सारे हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनें भी हैं, उन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया और रेगुलरली वो लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो थोड़ा मोड़ा इंतज़ाम हो रहा है हम लोग लेकर हर जगह जा रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा और तीसरा लोकेशन था, इंशाल्लाह और भी 4-5 लोकेशन है, आप भी दुआ फरमाएं और हमारे आपके व्यूवर्स से हम दुआ की गुजारिश करेंगे कि वो दुआ करें कि अल्लाह हमें तौफीक दे और भी हम लोग काम करते रहें इंशाल्लाह। कोशिश तो ये है कि जितना हम लोग कुछ कर सकें वो करें, सब तो नहीं कर सकते लेकिन जो कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। सेंट्रल गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है इस वक्त और उन्होंने कोशिश की है फंड इकट्ठा करने की। हम लोग तो ये उम्मीद रख रहे हैं कि उनके पास काफ़ी कुछ आ गया है माशाल्लाह, और मैंने जो डिजिट सुना है वो इतना ज़्यादा है कि मैं उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊँगा, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं। 70,000 करोड़। अच्छा माशाल्लाह, 50,000 करोड़। अच्छा माशाल्लाह, आपने बता दिया। तो स्टेट वाइज में आई है क्या? तो 1,70,000 और कितना बताया? 1,70,000 और कितना बताया आपने? 1,70,000 करोड़। ओके, और दूसरे बार जो जारी किया गया है उन्होंने अनाउंस किया है 50,000 करोड़। अच्छा माशाल्लाह, उनके पास आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, गवर्नमेंट बोला है कि इतना रिलीज करेंगे। अच्छा, कहाँ रिलीज कर रहे हैं वो? वही मैं समझना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ अभी तक नज़र नहीं आया है, वो चाहे दिल्ली हो या फिर यूपी के इलाके हो, गुजरात के इलाके हो, ज़्यादातर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा इस तरह से कि कहीं कुछ काम दिख रहा है। हो सकता है कर रहे होंगे, वो छुप छुप के कर रहे होंगे, माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं वो, 24 घंटा तो काम करते हैं वो, तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं और अगर उनको कुछ तकलीफ़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास बहुत सारे फहरिस्त हैं, वेस्ट बंगाल का तो हम लोग कवर कर सकते हैं, और हमारे पास आप दिखाइए इधर, हमारे पास इस तरह की डेडिकेटेड टीम है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए आप, टीम है तामीर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की, पूरी टीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आप देखिए यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे जो हमेशा इन जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और ये देखिए। अच्छा ठीक है, आप तो ये माशाल्लाह डेडिकेटेड टीम है और इतनी बड़ी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे बंगाल को हम लोग इंशाल्लाह, अगर वो हमें जिम्मेदारी देंगे ये समझकर कि चलिए आप हमको सपोर्ट कीजिए, तो हम अपने माननीय वजीर आजम के साथ हम खड़े होंगे इंशाल्लाह, और उनकी जो ख्वाहिश है कि इस पैंडमिक में वो यहाँ की पुलिस कोऑपरेट कर रही है। जी, यहाँ की पुलिस बहुत कोऑपरेट कर रही है। अब परमिशन का जहाँ तक बात है, हम लोग जो भी काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देकर लेटर, बाकायदा लेटर हेड में स्टैम्प वगैरह के साथ मैं खुद पर्सनली जाता हूँ जनरल सेक्रेटरी होने के नाते,
मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर भी गया, मैं बनियापुकुर थाने में भी ओसी साहब से मुलाकात किया हूँ और तोपसिया के भी ओसी के पास मैं गया तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश में, लेटर वगैरह हम लेकर गए तो वो लोग परमिशन तो नहीं दे रहे हैं। अब उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, जबकि हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम तो उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो भी बेचारे बहुत खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनको सपोर्ट करें। वो भी बेचारे कितना करेंगे, तो हमारी दीदी जो है वो भी मेहनत कर रही हैं, बहुत जगह पर पहुँच पा रहा है, बहुत जगह जहाँ पर वो नहीं पहुँचा पा रही हैं उनको मुश्किल पेश आ रही है, तो हम अपने ट्रस्ट की तरफ से उनको ये पेशकश करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं, अगर वो चाहें तो हमारा साथ ले सकते हैं और हम उनके इंशाल्लाह बताए हुए मार्ग पे चलेंगे इंशाल्लाह, और जो कुछ वो देंगे वो जहाँ बोलेंगे वहाँ हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से अगर ये बात वहाँ पहुँचे तो बहुत मेहरबानी होगी। हमारे दर्शकों के लिए आप अपना पूरी तारीफ बता दें। तारुफ मेरा यह है कि अबू तलहा जमाल कासमी नाम है मेरा, दारुल उलूम देवबंद से मैंने फजीलत किया है इस्लामिक स्टडीज़ में, और उसके बाद जो है एमए भी किया है मैंने मन्नू यूनिवर्सिटी से, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से, और MBA भी करने का मौका मिला मुझे डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर, तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तारुफ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा, आप लोग भी आइए, क्या आप लोग भी आइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हैं तामीर एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से जो लोग आए हैं, आइए मैं उनसे भी बात करूँगा यहाँ पे, आइए जी, आइए जी, अब बोल चुके हैं आप, आइए जी, आप बताइए यहाँ पे जो इस तरह काम कर रहे हैं क्या बोलना चाहेंगे। अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको तफसील से बताया जी, हम लोगों की कोशिश है कि इस मौके पे जो लोग इस सूरत हाल से जो लोग घबराए हुए हैं, परेशान हाल हैं, जो यौमिया मजदूर पे काम करते हैं, उनको रोजी रोटी मिल नहीं पा रही है, उन तक हम लोग पहुँच पाएँ, उनकी कुछ मदद कर पाएँ, और ये हमारा काम इंशाल्लाह चल रहा है मुख्तलिफ इलाकों में। आज ही हम लोग बशीरहाट से होकर के अभी यहाँ पहुँचे हैं सॉल्ट लेक में, इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों से दरख्वास्तें आ रही हैं, बहुत जगह से लोग हम लोगों से रुजू कर रहे हैं कि हम लोगों की मदद की जाए, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ तक पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। देखिए और भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर तकरीबन मैं आपको बता दूँ, छोटी सी मस्जिद है जामा मस्जिद सॉल्ट लेक का, जो ये सेक्टर 3 में पड़ती है, और ये छोटी सी मस्जिद के आसपास के जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं और ये रिक्शा वगैरह चलाते हैं, तो ये 50 से 60 घर ऐसा है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं जो रिक्शा चलाते हैं। तो इस तरह से जो है NGO भी आती है, गवर्नमेंट भी आई है, मैंने पूछा तो बोले गवर्नमेंट के भी लोग आए थे और यहाँ पर राशन वगैरह दे करके गए हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है। और आइए दिखाता हूँ मैं इनके जो है यहाँ पे रिहायशी जो है इन लोगों का, वो थोड़ा दिखा दूँ आपको कि किस तरह से है, आइए। ये देखिए इनका इस तरह से रिहायशी है, जगह है, रहने की जगह है, ऐसे आपको तकरीबन जो है यहाँ पे मिल जाएंगे 50 से 60 घर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से बंद है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि देखिए इस तरह से, कि देखिए इस तरह से जो है ये 50 से 60 घर हैं, इस तरह ऐसे घर हैं, आप देख सकते हैं कि 50-60 घर जो ऐसे हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो गुजारते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, वो लोगों की अभी कोई आमदनी का ज़राए नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ऐसे स्लम है, झोपड़ी है, और ये पॉश एरिया है सॉल्ट लेक का सेक्टर 3 का, और यहाँ पे ये लोग देखिए कि इस तरह से है, देखिए आप, ठीक है आप थोड़ा आगे चलिए, दिखाने की कोशिश मुझे कीजिए कि देखिए ये इस तरह से स्लम एरिया, ये बिल्कुल झोपड़ी है, और यहाँ पे लोग गुजारा करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, लेकिन रिक्शा तो अभी बंद है, कोई कमाने की ज़रिया नहीं है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, देखिए ऐसे हैं कि कोई यहाँ पे कमाने की अभी कोई ज़राए नहीं है, लोग इसी तरह से हैं, देखिए कि इस तरह से लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये लोग सर्विस देते हैं, देखिए इस तरह से घर है इन लोगों का, इस तरह से देखिए कि किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे आलीशान जो है फ्लैट से यहाँ पे
टावर है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है यहाँ पे घर जो लेडीज़ होती हैं वो घरों में जाकर जा कर काम करती हैं, और जो यहाँ मर्द के शक्ल में हैं वो लोग जो है अपनी जो है रिक्शा चलाते हैं और बाल बच्चों का पेट भरते हैं। देखिए इस तरह से देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए किस तरह से है। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा लोगों से कम नज़र इस तरफ भी आप लोग दौड़ाएं कि इस तरह से राशन की जो है इन लोगों को किल्लत ना हो। इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से इन लोग हैं रहते हैं, आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है अभी जो फूड की रिलीफ जो आई है वो आपका तकरीबन, हाँ हाँ एक आगे अच्छे अच्छा, देखिए ये अंदर घर है, छोटी छोटी घर ऐसे झोपड़ी बनी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए इस तरह से है कि आप देखिए, ठीक है, ये लोग हैं, सारे लोग हैं जो घरों में काम करते हैं, औरतें जो हैं और जो है मर्द के जो शक्ल में हैं वो लोग जो हैं रिक्शा चलाते हैं। देखिए यहाँ रिक्शा रखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्शा उनकी रखी हुई है, लेकिन अभी कोई इंसान इधर से उधर मूव नहीं हो रहा है, लोग घरों में बंद हैं, लॉकडाउन है, तो वो लोग आप थोड़ा इधर आइए, हाँ ये देखिए कि ये इस तरह से रिक्शा है इनका, और ये रिक्शा रखी हुई है, अभी रिक्शा ऐसी पड़ी हुई है, रोज़ाना की जो कमाई थी वो अब नहीं रहा, तो इन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये रिक्शा है, ये वैन है, ये बहुत सारे यहाँ पे वैन भी है जो डेली काम करने वाले हैं, वैन से जो आमदनी आती है तो गुजारा करते हैं, लेकिन अभी हर रास्ता बंद है, इस तरह से लॉकडाउन है तो हर रास्ता बंद है, तकरीबन और भी बढ़ा दी गई है, 17 तारीख तक बढ़ा दी गई है, तो लोगों को और आमदनी से जो है आमदनी नहीं हो पाएगी, वो लोग और नहीं कुछ कर पाएंगे, तो इस तरह से देखिए ऐसे हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, एक छोटी सी मस्जिद भी है यहाँ, भी देखिए कि छोटी सी मस्जिद भी है यहाँ पर जो जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है, और ये इस तरह से मस्जिद है लेकिन अभी पूरे तौर तरीके से अभी बंद है, आप देख सकते हैं कि पूरे तौर तरीके से बंद है अभी ये मस्जिद है, अंदरूनी हिस्सों में देखिए आप इस तरह से। अभी जो रिलीफ जो फूड आई है वो तामीर, देखिए आप अभी जो रिलीफ फूड जो आई है तामीर एजुकेशनल एंड ट्रस्ट जो है उनके तरफ से आई है, आप देखिए ये जामा मस्जिद है लिखा हुआ है, एड्रेस भी देख सकते हैं, सॉल्ट लेक जी ब्लॉक सेक्टर 3 प्लॉट 7 इस तरह से है, आप देख सकते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे या जो रहने वाले हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। आपका नाम, इधर आइए थोड़ा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जमाल, मोहम्मद जमाल मंडल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद जमाल मंडल जी। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। क्या गाड़ी चलाते हैं? तो ओनर का गाड़ी चलाता हूँ, 4 चक्का। तो अभी तो बंद हो? अभी तो बंद है। तो कैसे घर चल रहा है? घर चल रहा है, जैसे सामान वामान कोई आके दे के जा रहा है, थोड़ा जहाँ से काम करता था वहाँ से आधा आधा पैसा दे रहा है, जहाँ पे 10,000 महीना था अभी 5,000 दे रहा है, मतलब आधा सैलरी मिल रहा है। हाँ आधा सैलरी मिल रहा है, बोले इस महीना का उसको बाद बंद है। अच्छा। फिर जब कोरोना चलेगा ठीक हो जाएगा उसको बाद फिर मिलेगा तुमको। अच्छा, फिर सैलरी मिलेगा? हाँ फिर सैलरी। ड्यूटी पे जाएंगे? ड्यूटी में जाएंगे तब मिलेगा, उसको बाद नहीं मिलेगा। तो अभी 5,000 मिल रहा है, अगर 1-2 महीना और बंद रहेगा तो नहीं मिलेगा, वो जब नहीं मिलेगा तो फिर आपको तो सोचना पड़ जाएगा। क्या सोचना? तो अभी तो बहुत दिक्कत में है, अभी इस टाइम में भी तो बहुत दिक्कत में। अच्छा। क्योंकि घर में अब्बा माँ सभी तो तबीयत खराब है, उन लोगों को मेडिसिन का भी तो दवाई का पैसा लगेगा, हम लोगों का भी बच्चा है बीवी है, खर्चा भी नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ में है सब आदमी लोग, हम लोग सिर्फ हम अकेला नहीं है, जितना घर वाले सभी तकलीफ में है बहुत। यहाँ की गवर्नमेंट सरकार दे रही है आपको? गवर्नमेंट का सरकार राशन 2 बार आया था, उसके बाद नहीं मिला है, और कभी कभी कोई भी आता है दूध वूध भी देके जाता है, कभी कभी रेशन भी देके गया 1-2 बार, लेकिन जो देखे गया वो 2-3 दिन में ख़त्म हो गया। अच्छा। उसको बाद आदमी लोग सब परेशान में है, अभी भी आदमी लोग परेशान में है। तो क्या आप सरकार से कुछ बोलना चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही मांग करना चाहते हैं, हम लोगों को भी थोड़ा देखिए, हम लोग भी ख्याल कीजिए, हम लोग भी बहुत परेशान में हैं, हम लोगों का इधर कुछ राशन पानी
पहुँचने का बंदोबस्त कीजिए, यही गुजारिश यही बोलेंगे सरकार से, और कुछ तो नहीं बोल सकते, यही रिक्वेस्ट है। तो इधर में बहुत आदमी लोग बहुत परेशान में, क्योंकि अभी इतना परेशान में रेट एरिया में आसपास के लोग जो ये बिल्डिंग वगैरह जो है बंगलो वगैरह है वहाँ से लोग नहीं आते हैं, नहीं आते, यही सबसे हैरानी का बात है। बड़ा पॉश एरिया है, हाँ, यही सबसे बड़ा दुख का बात है। जो अगल बगल में रहने वाला है वो लोग नहीं इधर देखता, वो लोग रेट एरिया सोच के नहीं आता इधर में, क्योंकि वो लोग को तो ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग इधर में हैं, इधर में सॉल्ले का ऐसा एरिया था, हम लोग छोटा से इधर है, आदमी लोग छात बजे का बात घुसता नहीं था, हम लोग इधर रहने का बात कोई खराब काम करने का सोचता भी नहीं, क्योंकि हम लोग पकड़ लेंगे। हाँ, हम लोग इधर सर्विस देते हैं, हम लोग इधर में सर्विस देते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन इधर का लोग आदमी लोग को देखता नहीं है, यही खराब लगता है। लेकिन सरकार से गुजारिश करूंगा, अगर सरकार हम लोगों को देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत परेशान में, जितना फैमिली 50-60 तो फैमिली है, बहुत परेशान में अभी है सब। अब लोगों से माध्यम से गुजारिश होंगे, नहीं एनजीओ इससे पहले नहीं आई है, इससे पहले एक दो बार पाकिस्तान के राजा बाजार इधर से आया था, उसके बाद पुलिस लोग कभी कभी आया था, दूध देखे गया, कभी बिस्किट विस्किट वगैरह सब देखे गया। उसके बाद अभी एक तो जो एनजीओ साहब उन लोग ने आया है, अभी तक तो हम लोगों को अभी सप्लाई मिला नहीं, लेकिन मिलेंगे उम्मीद है, उन लोग आया बैठा है अभी इधर। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है मोहम्मद जमाल मंडल। मोहम्मद जमाल मंडल, देखिए ये जमाल मंडल थे जो बोल रहे थे कि यहाँ पे स्थिति जो है हम लोगों की गंभीर है। हम लोग जो काम करते हैं, मैं जो काम करता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, और ड्राइवर जो मैं ड्राइविंग करता हूं तो उसकी सैलरी 10,000 है, लेकिन अभी काट के 5,000 मुझे मिल रहा है, और इसके बाद भी अभी तो इस महीना मिल गया, लेकिन अगले महीना से सोचना पड़ जाएगा, वो भी 5,000 है जो नहीं मिल पाएगा। तो इनको बहुत सोचना पड़ रहा है, क्योंकि एक फैमिली को लेकर हैं, इनकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी है, और प्लस जो है माँ और बाप दोनों हैं। तो ये देखिए इस इलाके का हाल देखिए कि इतना बड़ा पॉश एरिया में अगर 60 लोगों को 60 घरों को अगर वो लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो आप इसका अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है, आप बताइए। ये देखिए ट्रस्ट जो है आपका, देखिए यहाँ फूड जो है फूड आ गया है, और कुछ ही मिनटों में जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आप देखिए। देखिए ह्यूमैनिटी फॉर यू एंड मी, देखिए ये जो कोलैबोरेशन है अभी मैं बता रहा था, तो ये देखिए इनकी भी हाथ है जो यहाँ पे आए हैं, और इस तरह से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि देखिए ये लोग जो हैं फूड अभी जस्ट आई है, और ये देखिए फूड जो है ये यहाँ पे तकसीम होगी, अभी देख सकते हैं आप कि इस तरह से तकसीम होगी, आप देखिए। तामीर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये जो देख रहे हैं आप, ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और कोलैबोरेशन जो है ह्यूमैनिटी फॉर यू एंड मी, ये देखिए ये कोलैबोरेशन दोनों जो है ट्रस्ट जो है दोनों कोलैबोरेशन करके ये फूड की तकसीम अभी होगी, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे 60 घर ऐसे हैं जो देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे घर हैं जो आप देखिए। मैं और भी एनजीओ से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे आइए और आकर इन लोगों को देखिए कि किस तरह से इन लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप आकर देखिए, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। मौलाना आ रहे हैं क्या? अब तालिब रहमानी साहब आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आप देखिए जो आई है फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए,
सामान वो अभी होगी। और देखिए अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है, डिस्ट्रीब्यूशन अभी शुरू होगी। देखिए यहाँ पे तकसीम होने वाली है, अभी जो सामान आया है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी तकसीम होने वाली है। आप देख सकते हैं कि राशन की तकसीम अभी होगी। आप देखिए ये देखिए जो इंतज़ाम हो रही है, ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो रही है। आप देख सकते हैं कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये इंतज़ाम हो रही है। लोगों में अभी राशन तकसीम की जाएगी। आप देखिए यहाँ पर कि राशन की तकसीम होगी। अभी देखिए यहाँ पे आइए, उनको भेजिए ना, किसी एक को भेजिए ना वहाँ से। हम के कौन है? एक इधर आइए। ह्यूमैनिटी फॉर यू एंड मी, आइए। मैं ह्यूमैनिटी फॉर यू एंड मी की जानिब से जो लोग आए हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो राशन लेकर आए हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश। जी आपने नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? कैसर रजा। कैसर रजा जी। तो ये इस तरह से जो काम कर रहे हैं, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोगों में ज़्यादातर तकसीम कर रहे हैं जहाँ पे नीडी पीपल हैं, तो अभी कहाँ कहाँ आप लोग गए हैं, इस तरह का तकसीम किया है आप लोगों ने? मोस्टली हम लोगों ने इनिशियल डे से, लॉकडाउन से पहले से डिस्ट्रीब्यूशन पे चल रहे हैं जी, और पूरी कलकत्ता को हमने कवर किया है जी। मोस्टली जिस तरह का हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो वो प्रोग्राम इस तरह से नहीं करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर को स्पॉट करते हैं। ये एक और एरिया है जो यहाँ पे
सालाना हम लोग प्रोग्राम करते हैं और बीच बीच में इमाम साहब यहाँ के जो लोकल ज़रूरत की चीज़ों को बता देते हैं जो हम लोग मुहैया करवाते हैं। तो ये सालाना लिस्ट में है जो हम लोग पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं। बट जो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, ये डे वन लॉकडाउन से पूरे कैलकाटा को हम लोग कवर करते हैं, और वो भी इस तरह से कवर करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर को जाके देना वो नहीं करते हैं। हमारे जो भी साथी लोग हैं, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, हम लोग सारे लोग निकलते हैं ऑन द स्ट्रीट, रास्ते के ऊपर जितने भी लोग सोए मिलते हैं, बैठे मिलते हैं, किसी कोने में हैं, जिन्हों पता नहीं चलता है कि उन लोगों की ज़रूरत है, वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं और ये चीज़ मुहैया करवाते हैं। आप लोगों को फ़ंड कहाँ से मुहैया होती है? अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, दिलचस्प बात है जी। हमारे 250 लोग जो खुद ही प्रोफेशनल्स हैं, कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यही वो जरिया है जो हमें प्रोवाइड करता है। ये ग्रुप बनाया हुआ है, जिस भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ पे मैसेज डालते हैं, और डालने के बाद वहाँ से ये मैसेज सारी तरफ सर्कुलेट होता है इन्हीं लोगों के बीच में। यही 250 लोग हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं आउट ऑन आउट। बाहर से कोई अगर देता है तो एज ए मटेरियल ले लेते हैं, फाइनेंशियली इन्हें लिक्विड कैश नहीं लेते हैं, लेकिन सामान वाइज जो ज़रूरत होती है वो देते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारी अपनी जो मेंबर्स हैं वही हैं। कितने मेंबर हैं? 250 लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं आज तक। और मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट आपको कुछ इमदाद कर रही है इस फाउंडेशन के तहत? तो माशाल्लाह, ऐसी बात हमारे साथ तो फिलहाल नहीं है, हम लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्लान है वो आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आगे भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, और वहाँ से हम लोग रابطہ में है। फ्यूचर में अगर कुछ आता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी आज का डेट में जो हमारे अपने लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वही लोग आगे जा रहे हैं। अच्छा, ये जो हो रहा है, ये आपके जो फाउंडेशन है, और किसके ये कोलैबोरेशन में हो रही है, ये काम जो हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है? आज का जो प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमीर भाई है, आ जाइए, अगर उनको भी साथ में ले लिया जाए। तामीर एजुकेशन ट्रस्ट के कोऑर्डिनेशन के तहत ये हो रही है, और उन्होंने इस बीच में और भी कई जगह पे हम लोगों को सपोर्ट किया है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि हमारे जो अपनी सपोर्ट सिस्टम है फिनंशियली, दिस रिक्वायर्ड अ ह्यूज फिनंशियल सपोर्ट व्हेन इट्स कम्स टू डिलीवरिंग ऑल द अदर एरिया इन कैलकटा। सो हैविंग सेड दैट, तामीर इज़ वन ऑफ द पर्सन हु हैज़ कम फॉरवर्ड सपोर्टेड अस, एंड वो सारी चीज़ें हम लोग सारी जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है जी। आप NGO से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे और भी NGO से NGO जो है उससे उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस तरह का काम के लिए? NGO को अकेले नहीं हो सकता है, कोई एक दो NGO का काम नहीं है ये पूरा देश में, तो क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? NGO को पैगाम ये देना चाहते कि आज का ज़माना जो है वो ये नहीं देखना है कि आप किसको पिक्चर ले रहे हैं और किसको देना है। आपके अगर दिखावे से भी किसी का पेट भरता है तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग ये कहते हैं कि दिखावा के लिए कर रहे हैं, छुपा के कर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते ज़िंदगी में, लेकिन आप अगर कर रहे हैं और उससे इंस्पिरेशन होता है, ये एक मोटिवेशन, ये एक इंस्पिरेशन टूल्स है, और ये खुद को भी अच्छा लगता है। गए 5 सालों के बीच में अगर आप व्हेन यू विल टर्न बैक यू विल सी कि हमने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया, कुछ भूखों को खिलाया है, कि मासूम चेहरों को हंसाया है, ये बहुत ज़रूरी है, और ये NGO वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल द मोर, एक बंदे की बस की बात नहीं है कि एक बंदे को खुश किया जाए, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही भारत है, यही लोगों को एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमैनिटी होती है, और ये पैगाम लोगों के हैट्स ऑफ ऑल द पीपल इन दिल्ली, इन मुंबई, अक्रॉस इंडिया, जो सारे NGO सामने आ रहे हैं और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। मैं और भी आपके जो मेम्बरान हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। इस सरदार जी को थोड़ा सा बुलाइए, थोड़ा सा इनसे भी मैं गुफ्तगू कर लूँ जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस NGO से जुड़कर? सत श्री अकाल, हमारा NGO से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और सब मिल के काम करने से हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सब मिलके काम करने से अच्छा होता है, इंसानियत इंसान के काम आता है, ये हमारा सिख धर्म में कहा गया है, और सब धर्म को लेके चलने का बोला गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा सेवा मिलके हो सके उतना अच्छा है। कब से जुड़े हुए ये आप? ह्यूमैनिटी फॉर यू एंड मी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वहाँ 60 डेज से जुड़े हुए। हाँ जी, 60 डेज से जुड़े हुए हैं, तो सेवा करके जो हम लोगों ये मिलता है, मतलब सेवा मिलता है। हाँ जी, पुण्य काम जो हमारे गुरु नानक जी ने कहा है
वही हम उन्हीं के चलाए हुए मार्ग पे चलना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। देखिए यहाँ सिख भाई थे हमारे जो वो भी इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं और ये जो है जुड़कर बहुत खुश हैं, उनको शांति मिलती है। उन्होंने ये कहा कि मुझे शांति मिलती है। और आप देखिए इस तरह से जो तकसीम करने की जो सामान है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है और लोग आएंगे और यहाँ पर ले कर के जाएंगे कि यहाँ पर ले कर के जाएंगे। जी इमाम साहब को थोड़ा सा भेजिएगा। इमाम जी मैं एक बार फिर से इमाम साहब से मुखातिब होने की कोशिश कर रहा हूँ। इमाम साहब ये बताइए कि ये जो है तो ये कैसे तकसीम करेंगे आप लोगों को, ये बताइए मुझे। क्या टोकन आपने पहले से दी हुई है? ना, सबका एक लिस्ट बनाया हुआ है। अच्छा, लिस्ट बनाया हुआ जी जो है उसी नाम पर सबको दिया जाएगा। अच्छा, जी जी। तो ये राशन जो है सबके लिए हो जाएगा क्या? हाँ, सबके लिए इसी अंदर से लाया गया है, हो जाएगा। अच्छा, सबके लिए हो जाएगा। 60 घर जो 50-60 घर बता रहे हैं जी जी, तो वो हो जाएगा इस तरह से काम। जी जी, है ना, हो जाएगा। अच्छा, लोगों को और आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि एनजीओ बहुत सारे एनजीओ है तो आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए आप। भले ही उन लोग तो ख्याल करते हैं रहते हैं, फिर आइंदे भी ख्याल रखें इंशाल्लाह। जहाँ बस्ती वाले के लिए इस तरह में लोग आसानी हो जाए हर चीज़ से जी, सहूलत हो जी। ठीक, तो इस तरह से जो है काम और होना चाहिए, होना चाहिए जी। देखिए इमाम साहब का कहना है कि इस तरह का जो है और भी एनजीओस जो हैं वो आकर यहाँ पे कम से कम एक बार देख करके जाएँ, मिल करके जाएँ कि लोग यहाँ पे जो रोज़ कमाने वाले हैं, जैसे कि ठेला चलाने वाले, में मैंने पहले ही बताया, वैन चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, तो और इस तरह से रिक्शा चलाने वाले, तो ये रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाने वाले हैं, तो उनकी ज़िंदगी बसर कैसे होगी? तो उनकी अर्निंग तो अभी रुक गई है और भी लॉकडाउन जो है वो बढ़ाकर म्याद जो बढ़ा दी गई है 17 तारीख तक कर दी गई है, तो इसके बीच और कैसे बर्दाश्त करेंगे? लोगों को लग रहा था कि ये लॉकडाउन जब 3 तारीख आज है और 3 तारीख को आज खुल जाएगा, लेकिन खुलने का जो है गवर्नमेंट का कहना है कि 17 तारीख तक और रहेगी जो सिचुएशन है ये मुल्क का। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, आप देखिए यहाँ पे अब राशन की तकसीम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आप देख सकते हैं। इसमें अनियन है, जो प्याज है, फिर उसके बाद आपका पोटैटोस आलू है, फिर नमक है, दाल है, इस तरह से देखिए सारे सामान आए हुए हैं, चीनी है, फिर उसके बाद तेल है, ये सारे सामान आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सारे सामान आके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये सारे डिस्प्ले किया गया है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से डिस्प्ले कर दी गई है, और भी सामान जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी और भी सामान पड़े हुए हैं, सामान रखे हुए हैं, देखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि देख सकते हैं आप। ये कोलैबोरेशन तामीर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हो रही है और जो है ह्यूमैनिटी फॉर यू एंड मी की जानिब से ये देखिए कि कोलैबोरेशन करके ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रही है। आप देखिए यहाँ पे क्या देखिए, लोगों को कह रहे हैं कि ज़्यादा गैदरिंग ना करें, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें,
वो लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखिए देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग आ रहे हैं पहले उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, सैनिटाइज़र हाथों में सैनिटाइज़र लगाई जा रही है, और मास्क भी है देखिए यहाँ पे कि मास्क भी लेकर आए हैं लोग, और ये मास्क भी उनको लगाएंगे पहनाएंगे, और उसके बाद राशन जो है उनको दे दिया जाएगा। देखिए इस तरह से कि इस तरह से एक बार पहना दीजिए उनको, पहनाइए, वो रखने के लिए नहीं दिया गया है, पहनने के लिए दिया गया, पहना दीजिए एक बार उनको जी। ये देखिए इस तरह से जो है कि इस तरह से मास्क उनको पहना दिया जा रहा है कि आप लोग मास्क पहने और हाथों में सैनिटाइज़र लगाएं, और उसके बाद आप जा कर के वहाँ से फूड खुद ब खुद जा कर के टेबल पे रखी हुई है, खुद ब खुद जा कर के वो ले लेंगे कि इस तरह से है। देखिए ये बहुत अच्छा सिस्टम किया गया है कि लोग एक एक करके आएंगे और यहाँ पे टेबल पे रखी हुई है सामान। और ये देखिए बजाते सैनिटाइज मास्क लगा दिए है, ठीक है, आप मास्क पहने हुए आप रखिए, आप मास्क को बोलिए कि वो रखें, हाँ जाइए, जिनका मास्क है, जिनके पास मास्क है कोई बात नहीं, और जिनके पास नहीं है कि जिनके पास नहीं है, देखिए सैनिटाइज़र अभी लगाएंगे यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, सैनिटाइज़र लगा रहे, देखिए एक एक लोग आ रहे हैं, देखिए अपना सामान यहाँ से उठाकर। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, कोई गैदरिंग नहीं हो रही है, देखिए एक एक करके लोग आ रहे हैं, और जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हो रही है, आप देख सकते हैं। सही, वाकई में यह सिस्टम बहुत अच्छा है, ये सिस्टम बहुत अच्छा। ठीक, आप देखिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं खुद से कैरी बैग में रखी हुई है और खुद से उठाकर ले रहे हैं। ये इसमें क्या है? इसमें आटा चावल। अच्छा, आटा और चावल, अच्छा, ये आटा है चावल है, तामीर एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से। ये देखिए ये चीज़ें हैं जी, देख लिया जी 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 जी, आटा चावल जी। तामीर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये आटा चावल और तेल, ये सारी चीज़ जो है इसमें मौजूद है। और ये देखिए ये जो है सबसे पहले आने से पहले देखिए वो सैनिटाइज हाथों में सैनिटाइज लगाकर आएंगे, फिर उसके बाद जो है देखिए इस तरह से दोनों हाथों में लगाते हैं, और देखिए फिर उसके बाद यहाँ से एक मास्क दी जा रही है उनको, ये मास्क देने के बाद फिर उसके बाद जा कर के अपना वो राशन जो है ले रहे हैं। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सही सिस्टम है, तरीका है राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का और लेने का, ये आप देख सकते हैं।
आप छोड़िए, आप छोड़िए, थोड़ा सा ऐसे पकड़िए, आप बंद करेंगे, ऐसे पकड़िए, इधर दिखाइएगा, ऐसे दिखाइए, उधर दिखाइए, देखिए ये तरीका जो है बहुत ही अच्छा है कि लोग आ रहे हैं, टेबल पे रखी हुई है सामान जो है राशन की, और ये इस तरह से लोग लेकर के जा रहे हैं, कोई गैदरिंग भी नहीं हो रही है। इस तरीके से देख सकते हैं आप कि कोई गैदरिंग नहीं हो रही है। लोगों से यही अपील मैं करूंगा आखिर में कि लोग कम से कम ये सॉल्ट लेक एरिया में जो है सेक्टर 3 में, तो इस तरह का और भी जो NGOs हैं आ करके यहाँ पे नज़र डालें कि इस तरह से लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और रोज़मर्रा में जो इनकम आने वाली थी उनको, लेकिन कोई इनकम नहीं आ रही है। तो इस पे आकर आप लोग ज़रा इस नज़र रखें, ये छोटी सी मस्जिद है और आसपास में बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। जो औरतें हैं यहाँ पे वो जाकर घर घर जाकर जो है घरों में काम करती हैं, और जो यहाँ पे रिक्शा चलाने वाले हैं रोज़मर्रा की रिक्शा चलाते हैं, फिर उसके बाद आपको वैन चलाते हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। लोगों से मैं ये और भी अपील करूंगा कि आप लोग घरों में बने रहें, घरों में बने रहें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया JKB न्यूज़ को देखने के लिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त हमारे सहयोगी नवाब के साथ, JKB न्यूज़ कोलकाता सॉल्ट लेक। फिनिश कर दें जी।